गुड आफ्टरनून एवरी वन थैंक यू एवरीबडी फॉर कमिंग इन टाइम्स ऑफ कोविड और बहुत लोगों ने मास्क पहन रखे हैं विच इज़ वेरी गुड और जिन्होंने नहीं पहने प्लीज़ पहन लीजिए बट <laughs> uh, कैसा लगा ए, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट um, क्वेश्चन uh, है जब भी कोई भी कहानी आपके पास आती है तो आप स्पेशली मैं जब मैं अपनी कहानियाँ चूज़ करता हूँ uh, मैं सोचता हूँ कि ये कहानी मैं क्यों करूँ यहाँ पर मेरे को मौका ही नहीं मिला कि मैं ये मे, मेरे पास वो क्वेश्चन का ये जवाब था कि मैं ये कहानी क्यों नहीं करूँ यू नो क्योंकि बहुत ही कम ऐसे कहानियाँ मिलते हैं आपको सब्जेक्ट्स मिलते हैं आपको जहाँ पर जो उसका मैसेज होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है और जैसे कि रमेश जी ने शुरू में ही कहा जो अंबेडकर जी ने कहा था कि इफ़ यू डोंट नो योर हिस्ट्री ओके यू कैन नेवर क्रिएट हिस्ट्री आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट

इट इज़ सम दैट ऑल ऑफ़ अस शुड वर्क टूवर्ड्स यू नो अगर हम बोलते हैं कि हॉलोकास्ट हुआ था विद द जूज इन वर्ल्ड वॉर टू आई डोंट थिंक दिस वॉज एनी थिंग लेस सो बिकॉज ऑफ दैट आई फिल्ट कि ये जो कहानी है ये जो किरदार है जो uh, शदनाख का किरदार है जिसपे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं यू नो क्योंकि वो एक सेक्ट का ऐसा हीरो है जो उनको आज तक फ्रॉम एटीन एटीन टिल ट्वेंटी टू वर्क नमस्ते थैंक यू फॉर कमिंग एंड आई थिंक हम सारे एक डिफिकल्ट फेज से गुजर रहे हैं गुजर चुके हैं कोविड सबके लिए बहुत uh, अभी भी यू नो इट्स स्टिल अराउंड द कॉर्नर बट लॉकडाउन आई फील आपको बहुत कुछ इंट्रोस्पेक्ट करने uh, पर मजबूर कर देता है एंड इंटरेस्टिंगली बिकॉज हम भीमा कोरेगांव की शूटिंग जस्ट बिफोर लॉकडाउन कर रहे थे ये सब्जेक्ट मैंने प्रॉब्ली जितना स्क्रिप्ट um, रीडिंग के टाइम पर या सर से समझकर समझा उससे ज़्यादा अब मैं प्राउड फील करती हूँ दैट यू नो यू रमेश सर आपने डिसाइड किया कि आप इस टॉपिक पर फिल्म बनाएंगे एंड दिस इज़ योर फर्स्ट प्रोजेक्ट आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर द अपॉर्चुनिटी बिकॉज सी आई फील जब आप यू नो इतिहास की एक खास बात है हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे साथ नहीं हो सकता बिकॉज ये तो हो चुका है राइट इंटरेस्टिंगली भीमा कोरेगाव का जो सब्जेक्ट है सेंस ऑफ इक्वालिटी कहीं ना कहीं अभी भी हमारी सोसाइटी में इक्वालिटी अभी भी वॉर है इट इज़ मे बी यू नो एक छोटे लेवल पे पीपल आर नॉट टेकिंग गन्स एंड वेपन्स एंड तलवारें नहीं उठा रहे हैं बट कहीं ना कहीं इनक्वालिटी कही है एंड अभी कितना आसान लगता है ये कहना कि राइट टू एजुकेशन सबके पास है आप किसी की ओर नीचे नहीं देख सकते एंड ये सारी चीज़ें कितने सिंपल हैं खास करके सिटीज़ में मैन एंड वेमेन शुड बी ट्रीटेड इक्वली बट स्टिल आई फील ऐसे कितने कॉर्नर्स हैं सिर्फ इंडिया के नहीं ग्लोबली जहाँ कितने लेवल का डिस्टिंगशन है डिस्क्रिमिनेशन है ये फिल्म उस पर एक बहुत सॉलिड लाइट डालती है इसका टेक अवे सिर्फ आई डोंट थिंक कि इनिशियली मुझे लगा था यू you नो know, एक तो मुझे पीरियडिक फिल्म्स बहुत पसंद है लाइक यू सेड इट इज़ अ ड्रीम एंड आई एम वेरी हैप्पी कि वो यू you नो know, मेरे करियर के इतने अर्ली स्टेज में हुआ इट्स अवज ऑपरचुनिटी बट उससे भी ज़्यादा आई फील इनिशियली इट वज़ मोर लाइक कि ओके okay, हम एक बहुत uh, बड़ी फिल्म बना रहे हैं दैट हैड अग मैसेज एंड एक वॉर हुआ था बट आई फील दैट सेंस ऑफ रिलेटेबिलिटी इज स्टिल सो स्ट्रॉन्ग यू नो कितने लेवल के uh, uh, चीज़ें हैं जो कितने लेवल के वायलेंसेज हैं वेदर दैट इज़ मैन वेमेन वेदर रेस कास्ट क्रीड कल्चर आई स्टिल नो पीपल जो लोग यू नो एक सर्टन टाइप का काम करते हैं यू लोग डाउन अपॉन देम एंड ये चीज़ें बोलना बहुत सिंपल होता है कि नहीं होनी चाहिए बट स्टिल हैं सो आई एम वेरी हैप्पी थैंक यू सो मच सर मोर देन दैट आई एम एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली हैप्पी टू बी शेयरिंग स्क्रीन यू एंड वी गेट टू शूट टूगैदर खुशना सच एन अमेजिंग कोस्ट आया लाइक आई फॉर्मलीज आई थिंक उनको बस यू नो डिमीन करने जैसा होगा बट हीज मेड मी वेरी कंफर्टेबल एंड वी है ग्रेट टाइम शूटिंग थैंक यू फॉर बींग एन अमेजिंग हमारी पूरी क्रू अफकोर्स रमेश सर इज बिन द कैप्टन ऑफ द शिप रमेश सर को आप फिल्म से एलिमिनेट कर दो तो फिल्म नहीं बन सकती आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा यू नो सॉलिड डिस्क्रिप्शन मैं दे सकती हूँ बट एवरी वन सेट पर जाके लगता है यू नो वैनिटी तक ऐसा लगता है कि हम मैं शायद कुछ फेक कर रही हूँ सेट पर जाके लगता है नहीं मैं कुछ फेक नहीं कर रही हूँ सब रियल है रेखा से हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर इज नॉट हेर बट वो सबसे ज्यादा यू नो इज़ बिन प्रिसाइज ये सीन है ये ऐसे होगा दिस वुड बी दिस वे सो थैंक यू आई मीन धनंजय जी एसोसिएट प्रोड्यूसर हमारे आरती जी एवरीवन विपिन सर यू गाइस हैव बीन अमेजिंग टीम एंड आई डोंट थिंक एक अच्छी टीम के बगैर एक अच्छी फिल्म बन सकती है है <laughs> भी करना या yeah. तो उसके बाद थैंक यू बोल देना या बट स्टिल नहीं आई फील सी आई थिंक कबीरलाल जी सिटिंग राइट हियर ऑलराइट सो आफ्टर सबको प्रेज करने के बाद जो पिक्चर शूट करना बाकी है जस्ट मेक मी लुक बेटर सो देयर इज ग्रीड इन्वॉल्वड जब हम शूटिंग कर रहे थे और जिस किरदार के लिए रमेश जी चाह रहे थे कि कृष्णा जी इसके साथ जुड़े आ, उन्होंने धनंजय को तो जो हमारे एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं उनको तो पागल कर दिया था कि उनके डेट्स चाहिए डेट्स चाहिए डेट्स चाहिए डेट्स चाहिए और मेरे ख्याल से उनको इतना शौक था कि कृष्णा जी इस फिल्म का उस किरदार को निभाए कि कोरोना हो गया हमारे साथ ओके okay, और हमें शूटिंग बंद करनी पड़ी और अब जाके उन्हें इनके डेट्स मिले तो अभी आप बताइए कि आपको क्या लगता है बिकॉज़ एवरी डे आई वाज टोल्ड कृष्णा जी के डेट्स आ गए कृष्णा जी के डेट्स आ गए डेट्स आ गए डेट्स आ गए हाँ एवरी डे देखिए डेट्स जो है हमारी डेट जो है सबसे बड़ी 1 जनवरी 1818 है 500 महारो ने अट्ठाईस हजार की पेशवा बाजीराव की सेना को धूल चटा दी थी पांच सौ माराओ ने यह कमाल है इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है और उसको फैसिलिटेट करना दो दो ध्रुवों को देख करके अपना काम करना यह काम करने के लिए बहुत कम लोग होते हैं और आप यकीन मानिए ंग वि आपका जो रोल है एज यू नो ए पुक मेकिंग है आपको रिमेंबर किया जाएगा और आप यकीन मानिए मैं रमेश तेठी की बात नहीं है ये मेरे जेब में अगर एक रुपया है तो वो बाबा साहब का रुपया है मेरा नहीं है मेरा नाम जरूर प्रोड्यूसर के रूप में है लेकिन इस फिल्म में एक आम किसान का भी पैसा लगा है तीन हजार लोगों का पैसा लगा इस फिल्म में तीन हजार छोटे छोटे गरीब किसानों का पैसा लगा है मेरा भी लगा है तो ये 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 शक्ति कहीं नहीं जाएगी इस शक्ति को जोड़े रखना और कमाल दिखाना लोगों को दिखाना ये कम नहीं होता है ऐसे मौके पे कृष्णा अभिषेक जी का इस फिल्म में आना इस फिल्म के साथ में जुड़ना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपको जी सर मुझे रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ती हम माइक खुद ही ले लेते हैं हम रिक्वेस्ट ही करते हैं हम, हम तो रिक्वेस्ट ही करते हैं <laughs> नहीं नहीं मैं मैं आपकी हर एक बात को सर बिलीव करता हूं क्योंकि आज भी आपने हिस्ट्री कर दी है मीडिया को सुबह दस बजे बुलाना ये पॉसि सब रात वाले होते हैं तो आज सुबह आ गए दस बजे एक बार जोरदार तालियां अपने लिए और एक बार रमेश जी के विजन के लिए मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हो जाएँ एंड बींग ऑनेस्ट मेरी रमेश जी से हमेशा फ़ोन पे ही बात होती थी और uh, मुझे फोन पे काफी इंटरेस्टिंग लगे रमेश जी लेकिन जब uh, uh, मैं एक ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से कहना चाहूँगा कि जब मैंने इस फिल्म का फुटेज देखा ये पूरी टीम इन सब के लिए एक बार जोरदार तालियां मैं ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं इतना एक्साइटेड हो गया जब मैंने गाने देखे मास्टर जी मतलब क्या गाने किए मास्टर जी मास्टर जी के जितने गाने होते हैं जितने के हंड्रेड परसेंट सारे हिट हैं और ये भी आने वाले नए साल की हिट की शुरुआत है आप देखना तो इसीलिए आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड कि मैं भी इसी फिल्म से जुड़ूँ स्लैपस्टिक कॉमेडी करना बोल बच्चन की रोहित सर के साथ काम किया अक्षय सर के साथ मैंने एंटरटेनमेंट की uh, लेकिन इस ये एक एक्टर uh, के लिए भी एक चैलेंज होता है और एक जब कुछ नया करने को मिलता है तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड सर जेन्यूनली और एक और चीज़ कहना चाहूँगा ये नहीं कि अर्जुन यहाँ पर बैठे हुए हैं राजनीति इज वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स तो मैं एक्साइटेड भी था कि आई एम गोना वर्क विथ अर्जुन सनी के साथ तो मैं काम कर चुका हूं दिगांगना uh, आपने तो मामा के साथ किया है तो ऐसा लगता है मेरे साथ कर ही चुकी हैं काम तो <laughs> हम <laughs> <laughs> एक ही हैं दोनों एक ही हैं uh, बट जेन्युनली सर रमेश जी मैं जेन्युनली बहुत और आज मैं पर्सनली मैं ब, कह रहा हूँ ऑनेस्टली नॉर्मली uh, लोग कहते नहीं मेरी पहली मुलाकात है मतलब फ़ोन पे हमारी काफ़ी मुलाकातें हो है चुकी हैं बातों बातों में लेकिन ऐसे मैं फ़र्स्ट टाइम मिल रहा हूँ और आप बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे मुझे और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत मज़ा आने वाला है काम करके आपके साथ थैंक यू